बेंगलुरु के कांति रवा स्टेडियम में भारत बनाम कुवैत के बीच सैफ चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने कुवैत को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से मात देते हुए 9वीं बार रिकॉर्ड ये खिताब अपने नाम किया। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार ये चैंपियनशिप अपने नाम की। टीम इंडिया इस मुकाबले में जहां 90 मिनट तक मैच टाई करने में कामयाब रही, तो वहीं एक्स्ट्रा 30 मिनट में भी भारत कुवैत में से कोई भी खिलाड़ी गोल नहीं दाग सका। लेकिन पेनल्टी शूटआउट में भारतीय टीम ने 5 मिले मौकों पर 5 गोल दागते हुए कुवैत को इस मैच में शिकस्त दी। टीम इंडिया की इस जीत के बाद से ही पूरे भारत वर्ष में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। टीम इंडिया को लगातार सोशल मीडिया पर बधाई मिल रही है। आपको बता दें कि खेल जगत से लेकर राजनेताओं तक सभी ने टीम इंडिया की जीत पर दिल खोलकर बधाई दी। अब इसमें एक नाम भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जुड़ चुका है। नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया की इस जीत पर खुश होकर ट्वीट करते हुए ब्लू टाइगर्स को बधाई दी है। चलिए जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया की जीत पर क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि भारत एक बार फिर सैफ चैंपियनशिप का चैंपियन बना है। ब्लू टाइगर्स का दबदबा बरकरार रहा, खिलाड़ियों को बधाई। इन एथलीटों के दृढ़ संकल्प से संचालित भारतीय टीम की उल्लेखनीय यात्रा आने वाले नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उल्लेखनीय है कि भारतीय टीम ने कुवैत को हराकर 9वीं बार सैफ चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इतना ही नहीं बल्कि भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी टीम इंडिया की जीत पर ट्वीट करते हुए लिखा कि हमने एक बार फिर कर दिखाया, फाइनल में कुवैत के साथ इतने रोमांचक मुकाबले में धैर्य बनाए रखने और रिकॉर्ड 9वीं बार हैशटैग सैफ चैंपियनशिप जीतने और शानदार प्रदर्शन करने के लिए हैशटैग ब्लू टाइगर्स को बधाई। आपकी जीत पर रोमांचित हूँ, चमकते रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को इस ट्वीट पर काफ़ी लाइक्स मिल रहे हैं। इतना ही नहीं उनके इस ट्वीट को लगातार शेयर भी किया जा रहा है, रीट्वीट किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय टीम के जीत के साथ ही पूरे स्टेडियम में वंदे मातरम की गूंज भी सुनी गई। जब भारतीय टीम ने चैंपियनशिप अपने नाम की तो उसके बाद स्टेडियम में मौजूद सभी दर्शकों ने एक साथ मिलकर वंदे मातरम गाया, जो कि भारत के लिए एक बेहद सुनहरा पल था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।